आपके लिए ले आई हूँ मैं वोटिंग ट्रेंड। चलिए आप लोगों को बताते हैं कि भाई बिग बॉस 16 के जो टॉप 5 चुने गए हैं, अब उनका क्या कुछ शिफ्ट हुआ है? क्या पहले नंबर वाला दूसरे नंबर पे आ चुका है? क्या दूसरे नंबर वाला पांचवें नंबर पे आ चुका है? क्या पांचवें नंबर वाला पहले नंबर पे जा चुका है? क्या कुछ बदलाव हुए हैं? चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ इस बदलाव के बारे में। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वोटिंग लाइन ओपन हो चुकी है और संडे 12 बजे तक वोटिंग लाइन ओपन है और आप लोग जियो ऐप या आप लोग वोट ऐप में अपने फेवरेट सदस्यों को जो है वोट कर सकते हैं बिग बॉस 16 का विजेता बनाने के लिए। यहां पर जो भी टॉप 5 है, टॉप 5 के जो फैंस है वो लगातार जो है अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को तो वोट कर ही रहे हैं, पर उसी दौरान ही काफी ज्यादा कंटेस्टेंट के फैंस में टक्कर हो रही है। आखिरकार नंबर 5 पे कौन है? शालिन है नंबर 5 पे, और नंबर 4 पे है अर्चना, नंबर 3 पे है एमसी स्टैन, नंबर 2 पे है शिव ठाकरे, नंबर 1 पे है प्रियंका चहार चौधरी। अभी बदलाव की बात मैंने आप लोगों को बोली थी, अभी ये बदलाव इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था क्योंकि शिव ठाकरे और एमसी स्टैन के फैंस के बीच में वोटिंग तो काफी धमासान चल रही है। हालांकि प्रियंका के फैंस काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं, ट्रेंड से ही पता चलता है, हैशटैग टैग्स जो है वो ट्रेंड करते, कितने मिलियंस जा चुके हैं, तो वो वोट करने में पीछे कैसे रहेंगे, इसलिए नंबर 1 पे प्रियंका है। शिव ठाकरे और एमसी स्टैन के फैंस के बीच में इन दोनों को दूसरे नंबर पे लेके आने के लिए काफी ज्यादा फाइट चल रही है। ज्यादा से ज्यादा स्टैन के फैंस जो है उनको वोट कर रही हैं और ज्यादा से ज्यादा शिव ठाकरे के फैंस जो है उनको वोट कर रहे हैं कि वो नंबर 2 पे ही रहे, एटलीस्ट वो एक्चुअली में टॉप 2 जरूर बने। अभी टॉप 2 जो भी होगा, तो हालांकि शिव ठाकरे के फैंस चाहते हैं कि शिव ठाकरे विनर बने, स्टैंड के फैंस चाहते हैं स्टैंड विनर बने, प्रियंका के फैंस चाहते हैं प्रियंका विनर बने, तो यही टक्कर जो है चल रही है। ज्यादा से ज्यादा फैंस जो है अपने फेवरेट खिलाड़ी को वोट कर रही है। आपने किसको किया है वोट, आपके अकॉर्डिंगली कौन है विजेता, बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।